मुझसे एक कमेंट जो है वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे ही पूछा गया था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट को देखूँ और फिर उसके बारे में सिखा दूँ। वो ये था कि सर आप यूट्यूब के लिए, फाइवर के लिए छोटी छोटी वीडियोस, यानी कि यूट्यूब के इंट्रो आउट्रो और फाइवर के लिए वीडियोस बनाना सिखा दें, और पैसे होते नहीं है, ज़ाहिर सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको एक झकास किस्म की वीडियो बनाना सिखाऊंगा, बल्कि ये सब आप फ्री में करेंगे। सो साइट जो आपके सामने खुली हुई है वो है canva.com। ये बहुत सारा शोर मचा लिया, अब तो कैनवा वालों को भी पता लग गया कि हमने इतना शोर मचा लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यू ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ डिज़ाइन। क्रिएट अ डिज़ाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ है उसको रहने दें। आपके सामने पूरी की पूरी एक छोटी सी क्लिप बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। बैकग्राउंड, आप जब क्लिक करते हैं इस बैकग्राउंड पे तो ऊपर कलर सेक्शन नज़र आता है, जिसको लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर। आई एम गोना सेलेक्ट दिस, आई एम गोना सेलेक्ट एनी अदर कलर, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रीन, चलो ये वाला ग्रीन कलर है। ये सिंपल होगी बात। अब यहाँ पे आपने करनी है कार्रवाई। कार्रवाई क्या है, टेक्सचुअल कार्रवाई है, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बेतहाशा मिल जाएंगी। याद रहे ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रहा। सो मैंने क्लिक किया जनाब ये फ्री डिलीवरी। अब इसको डबल क्लिक करने से या इस पार्ट को माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करने से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये ऊपर आप देखिए ब्लू का कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं चलो वाइट कर लेता हूँ। अब ये डिलीवरी का कलर है, इसको अच्छा रेडी रहने देते हैं। इसको भी ऐसे ही कलर चेंज किया जा सकता है, इसको आप हाईलाइट करें और फिर अगेन ऊपर जो आइकन लिखा हुआ है इससे आप कोई भी रंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसको सफ़ेद और पीला कर लिया। फिर आप इसके साथ एलिमेंट्स और वीडियोस ऐड कर सकते हैं। पहले एलिमेंट ऐड करना सिखा देता हूँ ताकि आपको, अब ये फ्री डिलीवरी है तो चलो डिलीवरी ढूंढ लेते हैं। डिलीवरी डिलीवरी ढूंढा तो ये भाई साहब आ गए मोटरसाइकिल चलाते हुए, डिलीवरी वाले। ये फ्री आइकन है, आप यूज़ कर लें, कोई इसमें क्रेडिटेशन, कोई इसमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये ले जी, ये बड़ा खूबसूरत किस्म का डिलीवरी वाला आइकन बन गया। इसमें एनिमेटेड भी हो सकता है। सो डिलीवरी का अगर अगर मैं एनिमेशन लिखूं तो कुछ ना कुछ आपको एनिमेटेड चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये हॉट का आइकन नज़र आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करके, ये एनिमेट खुद ब खुद हो रहा है, इसको मैं इधर राइट पे रख देता हूँ। ये होगी जी मेरी एक टेम्पलेट। नीचे आप देख रहे हो ये प्लस का बटन, इस प्लस के बटन को मैं क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट हो गया, बैकग्राउंड कलर वही रहेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ तो फिर मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साहब ये करना है आपने कि दोबारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अब हम ये गुड वाइब्स सेलेक्ट कर लेते हैं जी, ये गुड वाइब्स हो गया जी, बेहतरीन किस्म का कोई प्रोग्राम हाईलाइट हो चुका। अब इस गुड वाइब्स के साथ मैं चाहूँ तो एलिमेंट्स भी और ऐड कर सकता हूँ। ये फिलहाल इस तरह करते हैं कि ये कबूतर ले आते हैं, बड़ा खूबसूरत सा कोई है और मुफ्त में है भाई, वाह। ये एनिमेट होता जा रहा है, राइट साइड पे भी कुछ चमक चमक चीज़ें। ये फ्री के एलिमेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये पार्ट यहाँ पे हो गया ऐड। मैं स्विच कर सकता हूँ बिटवीन माई स्लाइड्स फ्रॉम बाई क्लिकिंग ऑन वन एंड अनदर। ऊपर कुछ चीज़ें आपको देखनी है, हर एक स्लाइड का टाइम होता है, 6 बहुत बड़ा टाइम है, यूजली 2.5 इज मोर देन इनफ। तो एक स्लाइड का टाइम 2.5 सेलेक्ट किया तो ओवरऑल जो 12 वीडियो का टाइम था वो भी 8.5 पे आ गया, क्योंकि दूसरी स्लाइड बड़ी है। अब दूसरी पे क्लिक किया तो अच्छा, मैंने दूसरी का पहले टाइम चेंज कर दिया था, चलो जी अब पहली का कर देते हैं। देखो ओवर एफिशिएंसी, पहली का भी 2.5 कर दिया। अब टोटल 5 सेकंड की क्लिप बन गई है। अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको प्ले करूं तो ये देखो ऐसे एक आपका खूबसूरत सा क्लिप बन गया, लेकिन इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। अब आपने इसके अंदर जान तो डालनी है ना, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जान डालने की कोशिश करते हैं, एनिमेशन डालने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक किया साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेट। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद एनिमेट के बटन को दबाएंगे तो ये आपको कुछ फ्री आइकन्स नज़र आ रहे हैं, 4 और 5 6 7 फ्री हैं, बाकी जिनके ऊपर क्राउन नज़र आ रहा है वो पेड है। हमने तो फ्री यूज़ करना है, चलो जी ये पहला वाला फ्री यूज़ कर लिया। आए हाय क्या बात है। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम एनिमेट करेंगे बाय अगेन क्लिकिंग ऑन अ बैकग्राउंड। ऊपर एनिमेट का बटन आ जाएगा, उस पर मैंने एनिमेट का बटन पे क्लिक किया
तो अब इसको भी कोई एनिमेशन दे देते हैं खूबसूरत किस्म की जो इसकी अच्छी लगे, तो इस पे ये ऐड कर लेते हैं यार। वाह जी वाह, ठीक है जी। तो आई थिंक 2.5 सेकेंड इज़ अ लिटिल टू फास्ट, लेट्स सेलेक्ट 2.9 हेयर, दोनों को 2.9 कर देते हैं, ये पहली स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड को भी 2.9 कर देते हैं। अब मेरे ख्याल में एक बड़ी खूबसूरत किस्म की हमारी एनिमेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। इस बटन को जो मैं माउस ओवर दिखा रहा हूँ, 5.8 सेकेंड जिस पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करने से विद इन द प्लेटफॉर्म वीडियो प्रीव्यू होगी। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, वीडियो प्ले होगी। आया मज़ा, होगी एनिमेशन। अब मेरा दिल है कि इसमें कुछ और भी आना चाहिए, कोई शशके वशके, तो मैं क्या करने लगा हूँ, पहली वाली क्लिप पे जाके लेफ्ट साइड पे वीडियोस का आइकन है और देखूंगा कि फ्री टेम्पलेट्स कहाँ पड़ी हुई हैं। ये फुलझड़ियाँ पता नहीं क्या पड़ी है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो परेशान ना होना कि यार ये क्या हुआ, ये तो सब इसने गायब कर दिया है। अभी मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ आपके लिए। आपने मैंने बताया ना, घबराना नहीं है। लो जी ये फुलझड़ियाँ आ गई, लेकिन अब इसका ट्रांसपेरेंसी कम करूंगा ताकि ये बैकग्राउंड पे हल्का हल्का घूमता रहे, खूबसूरत हो गया ना मॉल। इसी तरीके से मैं दूसरे के साथ भी यही कार्रवाई करूंगा। इधर मैं ये दुनिया, ये महफिल किसी के काम की नहीं, ये ऐड कर देता हूँ। चलो ये लो जी, दुनिया ऐड कर देते हैं। इस दुनिया के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी, पहले पूरा व्यू दे दिया, पूरे कैनवस पे रखा, और फिर राइट साइड पे ये स्पीकर के साथ एक ट्रांसपेरेंसी का बटन है, इसको क्लिक किया और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो देखते हैं क्या नज़र आता है। अगेन ये देखो, अब इसमें आपने गौर करना है कि ये पूरा का पूरा क्लिप का साइज़ ले रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा कैंची पे और मैं इसका साइज़ रखूँगा वही 2.9, राइट। तो 2.9 मैंने रख दिया, और 2.9 रखने के बाद ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आई नीड टू डू दिस सेम थिंग विद दी अदर वीडियो एज वेल। पहली वाली पे क्लिक करूंगा, फिर अगेन यहाँ पे 29 सेकेंड्स हैं, इसको मैं कर दूंगा 2.9, 2.9। ओवरऑल वीडियो का टाइम भी वापस आ जाएगा 5.8, 5.9, असल में तो 5.9 होना चाहिए था, 5.8 होना चाहिए था, 2.9, 2.9। अब मैं दोबारा प्ले का बटन क्लिक करूँ। इस प्ले का बटन मैंने क्लिक किया, देखो पीछे बैकग्राउंड हल्का खूबसूरत सा लग रहा है और एनिमेशन भी बड़ी मज़ेदार सी हो गई है। अब आखिरी चीज़ इसमें साहब ऐड होनी चाहिए, यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के बारे में बात करें, कुछ भी कैनवा में ढूंढें आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी, तो मनी से रिलेटेड वीडियो भी मुझे नज़र आ जाएंगी, लेकिन ये सारी पेड हैं। चलो एलिमेंट्स पे जाता हूँ, एलिमेंट्स पे जाके मैं सर्च करता हूँ मनी, तो ये मनी आ गया। जहाँ बड़े फ्री के एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मनी के आगे लिखता हूँ एनिमेशन, शायद मुझे कुछ मिल जाए। यह देखो जी, पैसे आने दे, दिन बदलने दे, ये पैसे गिर रहे हैं आसमान से, बारिश हो रही है साहब, तो इसको भी मैं रख देता हूँ इधरी किधरी, ताकि ये भी जो है ना हमारे, बल्कि इसको मैं बैकवर्ड पे ले जाता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ, ताकि और फ्री डिलीवरी को मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये इस तरह की कोई कार्रवाई है। अब अगेन ये पार्ट भी हो गया। अब मैं चाहता हूं ऑडियो सेलेक्ट करना, ऑडियो पे मैंने क्लिक किया। कैनवा के बिल्ट इन ऑडियो को यूज ना करना, स्पेशली इफ यू वांट टू यूज इट ऑन यूट्यूब, ड्यू डिलीजेंस अपनी कर लेना। ये ना हो कि आप ये, यहां पे तो ये फ्री दिखा रहा है, ये दो इमेजेस हैं जो मैंने अभी देखे हैं, मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये ना हो यार आप यूज करो यूट्यूब पे तो मसला हो जाए। तो उसका आसान तरीका ये है कि यूट्यूब पे जाओ और इसकी ऑडियो लाइब्रेरी पे लेफ्ट साइड पे अपने स्टूडियो के अंदर ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करो, ये बहुत सारे आपको इमेजेस नज़र आ सॉरी वीडियो ऑडियो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस ज़मीन वाले का, ये मैंने सबसे पहले इमरान भाई के चैनल पे देखा था, इमरान अली डीना, तो यहाँ पे ये ज़मीन मूवमेंट ऑफ अर्थ, इसको मैं डाउनलोड करूँगा, ये मेरे डाउनलोड में सेव हो जाएगा। अब चूँकि मैंने इसको टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ पे जाके मैं इसको सिर्फ अपलोड कर दूंगा आपकी खातर। तो ये मैं गया अपने अपलोड्स के सेक्शन पे, इमेजेस भी अपलोड होते हैं, वीडियोस भी अपलोड होती हैं, और ऑडियो भी अपलोड होता है। ये ज़मीन ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं क्लिक करूँगा सिर्फ इसको, ये ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे नज़र आ चुका है, जहाँ पे मेरा माउस ओवर आ रहा है।
अब आप म्यूजिक भी देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस पार्ट को यहां से प्ले ना करूं क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ इसको कहीं और से प्ले करना है, ये वाला पार्ट। अब ये बहुत लाउड है, मैं इसका ये देखो हल्का कर देता हूं यहां से ताकि हल्का सा बस प्ले हो, ठीक है जी। अब मैं इस पूरी वीडियो को प्ले करने लगा साहब, प्ले किया और सुनिए, थोड़ा म्यूजिक स्लो है फॉर माय लाइकिंग, तो मैं दोबारा जमीन के इस पे क्लिक करूंगा आइकन पे और थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है जी। अब मैं दोबारा प्ले करूंगा, कमाल हो गया ना। अब यहां पे इसको करो डाउनलोड वीडियो, और ये दोनों के दोनों सिलेक्ट हैं, MP4 सिलेक्ट करो, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करो। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इसकी पहले प्रिपरेशन कर रहा हूं और उसके बाद ये आपकी खूबसूरत सी वीडियो डाउनलोड होगी। पैसे आ रहे थे, दिन बदलने दे, सितारे तेरे नाम कर दूं, जहां तेरे नाम कर दूं, वो क्या नाम था गाने वाला सिंगर का, क्या नाम था, सजाद अली का भाई जो था। बहरहाल दिस इज हाउ यू क्रिएट फ्री वीडियोज यूजिंग कैनवा, फ्री अकाउंट, यूजिंग फ्री एलिमेंट्स, यूजिंग फ्री वीडियोज, यूजिंग फ्री ऑडियो म्यूजिक एंड यूजिंग फ्री टेक्स्ट एज वेल, एंड देन यू एनिमेटेड एज सिंपल एज इट साउंड्स। मजा आया तो कमेंट पे बताओ मजा आ गया बॉस।